खबर भोपाल से ही मिल रही है, जहां पर ड्राइव इन सिनेमा में वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है। बता दें आपको, ड्राइव इन सिनेमा में वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहे हैं और चार पहिया वाहन में बैठकर यहां पर टीकाकरण करवा सकेंगे लोग। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी यहां पर पर्यटन विभाग दे रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से, ड्राइव इन सिनेमा में वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहे हैं। चार पहिया वाहन में बैठकर टीकाकरण होगा। तो आपको बता दें कि पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी पर्यटन विभाग यहां पर लोगों को दे रहा है। तो एक साथ 100 कारें इस ड्राइव इन सिनेमा में आ सकती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल संवाददाता ऋतु भंडारी जुड़ चुकी हैं। ऋतु, आपसे जानना चाहेंगे, ड्राइव इन सिनेमा में टीकाकरण शुरू हो रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, हमारे अनन्या कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ इस तरह की पहल की गई है, क्योंकि आज से वैक्सीनेशन देश भर में शुरू हो चुका है। हालांकि खबरें ये भी सामने आ रही है कि अभी वैक्सीनेशन जो 18 से 18 प्लस लोगों को लगना था वो अभी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अभी डोज उतने नहीं है, बाकी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा में आज से वैक्सीनेशन को जो तैयारी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। इंदौर में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर सुविधा ये की गई है, चाहे कोरोना गाइडलाइन की बात कर ली जाए या तमाम एहतियात बरतने की बात कर ली जाए, सुविधा ये है कि आप अपनी कार से आइए और उसी में बैठे बैठे ही टीका लगवाइए। वैक्सीनेशन की ये ड्राइव रोजाना शाम 6 से रात 9 बजे तक चलेगी, जहां हर दिन 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगेगा। और इसके साथ एक सुविधा और ये दी गई है, जो लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे उन्हें वहां पर आधे घंटे डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ेगा, और उसके बाद लोगों को टीका लगवाने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन निगम, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के साथ मिलकर ये अवेयरनेस ड्राइव शुरू किया जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि 80,000 स्क्वायर फीट में बने प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी, जो तरह की जानकारी आपके पास दी है। और ऐसे में तमाम तरह के एहतियात भी यहाँ बरते गए हैं। अभी हाल फिलहाल में होटल लीची रेजिडेंसी के जो मैनेजर है KL पटेल, उन्होंने बताया भी था कि एक दिन में 100 कारों की एंट्री दी जाएगी। इस दौरान जो कार में जितनी भी लोग सवार होंगे उनका वैक्सीनेशन हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं अनन्या ये एक अच्छी पहल है। जी धन्यवाद तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी भोपाल से, जहां पर ड्राइव इन सिनेमा में वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। तो आपको बताते वहीं कि चार पहिया वाहन में बैठकर लोग टीकाकरण करा सकेंगे। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी यहां पर होगी। और आपको बता दें कि ड्राइव इन सिनेमा जो है वो 100 कारों की क्षमता रखता है, एक बार में 100 कारें वहां पर जा सकती हैं। तो ऐसे में वैक्सीनेशन जल्दी हो पाएगा और साथ ही कार में बैठे बैठे आप वैक्सीनेशन करवा पाएंगे।